सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। और हम मेवाड़ इतिहास की बात कर रहे थे और मेवाड़ इतिहास में हमने बप्पा रावल को शुरू कर दिया था। गुहिल को हमने समझा कि गुहिल वंश की स्थापना करी गुहादित्य ने, और गुहिल वंश की स्थापना कब करी थी, 566 ईस्वी में गुहिल वंश की मेवाड़ में स्थापना। तो ये हमने देख लिया था गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने करी। बहुत सारी पुस्तकों में 565 भी लिखा रहता है, पर जो हमें मान्य है वो 566 है, क्योंकि किताबें जो है एनसीईआरटी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी ही को ही मानती है जो हमारा एग्जाम है वो। तो 566 ईस्वी ध्यान रखना, गुहिल वंश मेवाड़ में स्थापना। अगला जो प्रसंग था, अगला टॉपिक था हमारा बप्पा रावल का। तो बप्पा रावल या फिर काल भोज, जिनके शासन की बात करें तो 734 से 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। पहले तो बात करते हैं कि इनको बप्पा क्यों कहते हैं, बप्पा काय को बोलते हैं इनको। बप्पा ये इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने भीलों पर उपकार किए थे, भीलों पर उपकार। आपको याद होगा कि जो मेवाड़ के शासकों पर राज तिलक है वो भी कौन करता, भील ही करते हैं। अगर इनको कहीं युद्ध लड़ने जाना हो, कहीं जाना हो, तो उनका जो तिलक है वो कौन है, भील करता है, क्योंकि इनके झंडे पर क्या है, एक भील का चित्र भी है। तो हम बात करें इनको बप्पा क्यों कहा जाता है, क्योंकि बप्पा इसलिए कहा, बप्पा का मतलब होता है पिता, बप्पा का मतलब होता है पिता। तो भीलों पर उपकार किया था, इनका कर माफ किया था, कर माफ किया, तो कर माफ किया तो सारे भील लोग आए, भीलों के सरदार ने इनको बप्पा कह के बुलाया, क्योंकि एक पिता के समान इन्होंने इनका कर माफ कर दिया था, इसलिए इनको बप्पा कहते हैं। तो बप्पा इनका नाम न हो के क्या है, उपाधि है। बप्पा नाम न हो के क्या है, एक उपाधि है। और ये उपाधि की चर्चा किसने करी है, ये करिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो ये उपाधि किसके अनुसार है, डॉक्टर ओझा के अनुसार। डॉक्टर ओझा कहते हैं कि काल भोज इनका वास्तविक नाम है, क्या कहते हैं, काल भोज इनका वास्तविक नाम है तथा बप्पा इनकी उपाधि है, बप्पा इनकी उपाधि है। किसके अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम आता है महेंद्र सेकंड। अब यहाँ पे बात आती है 566 ईस्वी में जब गुहिल वंश की गुहादित्य ने स्थापना करी, यहाँ पे 734 ईस्वी की, तो लगभग अपन 180 साल आगे आ गए। तो ऐसा नहीं है कि बप्पा रावल से पहले कोई यहाँ पे शासक नहीं हुए, गुहिल वंश से बहुत सारे शासक हुए, अपराजित हुए, भरत भट्ट, महेंद्र प्रष्ट, महेंद्र सेकंड, ये बहुत सारे शासक हुए यहाँ पे, पर वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अपन वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर हमारे पेपर में आते हैं, जो प्रश्न वहां से जरूरी है, क्योंकि उनका इतिहास इतना बड़ा नहीं है। अपराजित हुए, भरत भट्ट हुए, महेंद्र प्रष्ट हुए, तो और भी लोग हुए हैं, पर उनका इतिहास की इतनी ज्यादा जरूरत पढ़ने की नहीं है, क्योंकि इतिहास इतना बड़ा है भी नहीं। तो बप्पा रावल उपाधि क्या है, बप्पा उपाधि है। किसके अनुसार, डॉक्टर ओझा के अनुसार। बप्पा का मतलब क्या होता है, पिता, और पिता का नाम आता है इनके महेंद्र सेकंड। अगर अपन मेवाड़ के ध्वज की बात करें तो ये मेवाड़ का मैंने ध्वज बना दिया, ये मान लो मेवाड़ का क्या बना दिया, ध्वज बना दिया। मेवाड़ के ध्वज की बात करें तो इस पर राजपूत शासक का चित्र हुआ है, राजपूत शासक का चित्र मिलता है यहाँ पे, और ऊपर सूरज का चित्र है, ऊपर किसका चित्र आता है, सूरज का चित्र। तो बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इनको सूर्यवंशी भी बोलते हैं, और एक साइड में क्या है, भील का चित्र भी है, क्योंकि भील ही इनका राज तिलक करता था। तो ये मेवाड़ ध्वज है, मेवाड़ ध्वज, तो राजपूत शासक चित्र, भील का चित्र और एक सूरज का चित्र यहाँ पर हमको मिलता है। और बात करें कि कालभोज के बारे में हमें पता कैसे चलता है, तो हमें पता चलता है राज प्रशस्ति से, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति कहाँ पे है,
राज प्रशस्ति है राज संबंध में, राज संबंध में एक प्रशस्ति लगी हुई है, राज प्रशस्ति जो राजसमंद झील के किनारे लगी हुई है। और राजसमंद झील राज सिंह ने बनवाई थी, और कब बनवाई थी उसकी भी बात करेंगे झीलों में। तो राज प्रशस्ति राजसमंद में राजसमंद झील के किनारे ये लगी हुई है। और इसके उत्तर दिशा की बात करें तो इसके उत्तर में एक नौ चौकी की पाल है, नौ चौकी की पाल। और नौ चौकी की पाल पे 25 बड़े शिलालेखों पर, 25 बड़े शिलालेखों पर, शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास अंकित है। राज प्रशस्ति कहाँ पे? राजसमंद में कहाँ पे? राजसमंद झील के किनारे है। और राजसमंद झील के किनारे नौचौकी की पाल है, जहां पर 25 बड़े शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास का अंकन है। और इसके रचनाकार कौन है? रणछोड़ भट्ट। तो राज प्रशस्ति की बात हम कर रहे हैं और राज प्रशस्ति से हमें मेवाड़ का इतिहास मिलता है। इसके रचनाकार का नाम भी मैं लिख देता हूँ, रचनाकार कभी कभी पूछ लेता है, रचनाकार रणछोड़ भट्ट। वैसे प्रशस्ति अपन अलग से पढ़ेंगे जहां पर भी इनकी बात की जाएगी। तो अभी तो ये देखो कि राज प्रशस्ति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कालभोज के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से मिलती है। क्या जानकारी मिलती है कालभोज के बारे में? कि जो राज प्रशस्ति है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 734 ईस्वी की बात आती है, 734 ईस्वी में चित्तौड़ का शासक हुआ मानमौर्य। चित्तौड़ शासक मानमौर्य। और जबकि यहाँ पे मेवाड़ में शासक कौन होना चाहिए? बप्पा रावल होना चाहिए। तो बप्पा रावल या फिर कालभोज। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने क्या किया? चित्तौड़ के शासक मानमौर्य पर आक्रमण किया और मानमौर्य को यहाँ से खदेड़ दिया। और खदेड़ने के बाद यहाँ पर क्या है? अधिकार कर लिया। किस पर? चित्तौड़ के किले पर, चित्तौड़ के किले पे। चित्तौड़ के किले से कुछ लाइनें ध्यान आती है। क्या लाइनें ध्यान आती है? कि गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गढ़ैया। तो चित्तौड़गढ़ भी एक अद्भुत किला है राजस्थान का। चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ का दुर्ग, जहां पर अधिकार किसने कर लिया? अब बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने कब कर लिया? 734 ईस्वी में। कहाँ से पता चलता है अपन को ये सब बातें? राज प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है। तो मेवाड़ पर अधिकार हुआ। चित्तौड़ के किले की बात करें तो ये मैंने बना दिया चित्तौड़ का भव्य दुर्ग, भव्य दुर्ग बना दिया मैंने चित्तौड़। यह है चित्तौड़ दुर्ग। इसकी कुछ जानकारी क्या क्या है? इसकी जानकारी बात करें तो ये मेसा के पठार पर है। कौन से पठार पर है? मेसा के पठार पर। तो चित्तौड़ दुर्ग कहां पे है? मेसा के पठार पर है, मेसा के पठार पर स्थित। और क्या जानकारी इससे? इसको हम राजस्थान का गौरव कहते हैं। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। तो ये लाइनें किसके लिए प्रचलित है? चित्तौड़ के दुर्ग के लिए। कहाँ पर है? यहाँ पर दो नदियों का संगम है, वहां पर ये बना हुआ है। दो नदियों की बात करें तो एक का नाम है बेड़च नदी, बेड़च नदी, और दूसरे का नाम है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी। तो दो नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। कहां पर है? मेसा के पठार पर, जिस पर अधिकार किसने कर लिया? बप्पा रावल ने। कब किया? 734 ईस्वी में। इसलिए बप्पा रावल को चित्तौड़ का, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो मेवाड़ में
गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें, वास्तविक संस्थापक जो है वो है बप्पा रावल या फिर काल भोज। ठीक है, आगे और बात करते हैं इनसे रिलेटेड कि 734 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ में शासन व्यवस्था स्थापित कर दी और अपनी राजधानी इन्होंने बनाया नागदा को। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बप्पा रावल और काल भोज, जिनके शासन काल कहाँ से कहाँ तक आता है, 734 से 753 ईस्वी तक। तो 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया, किसको पराजित किया, मानमोरे का। मानमोरे का एक शिलालेख भी आता है जिसको कर्नल जेम्स टॉड इंग्लैंड ले जा रहे थे और बैलेंस नहीं बना जिस भी जहाज में वो जा रहे थे, तो उस शिलालेख को उन्होंने समुद्र में ही फेंक दिया था। तो वो भी मानमौर्य अभिलेख में, अब जब अभिलेख पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग की हमने बात करी और इन्होंने राजधानी जो बनाया वो राजधानी बनाया नागदा को। नागदा को कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाशपुरी कहाँ है, उदयपुर में है। किसका निर्माण कराया, एक मंदिर का निर्माण कराया। और ये मंदिर महत्वपूर्ण क्यों आता है उसकी भी बात हम करेंगे। ये मंदिर है एकलिंग नाथ जी का मंदिर, एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ पर है, कैलाशपुरी में निर्माण। इसको एकलिंग नाथ जी को ही क्या बोलते हैं, मेवाड़ के जो शासक है इनके कुल देवता बोलते हैं। किनको, एकलिंग नाथ जी को। इसको अगर बात करें तो इसको लकुलिश मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन महत्वपूर्ण है, इसको देखना। पशुपति संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है, प्रधान पीठ है, वो यहाँ पर ही है। तो पशुपति संप्रदाय की प्रधान पीठ है एकलिंग नाथ जी पर, और पशुपति संप्रदाय के जो एक मुनि है उनका नाम है लकुलिश मुनि, जिन्होंने इस पीठ की स्थापना करी थी, जो इसके उद्धारक है, लकुलिश मुनि। लकुलिश मुनि कौन से मुनि, लकुलिश मुनि। इसलिए इस मंदिर का नाम एक और है लकुलिश मंदिर, लकुलिश मंदिर। तो एकलिंग नाथ जी किसने मंदिर बनवाया, बप्पा रावल ने, कहाँ पे बनवाया, कैलाशपुरी उदयपुर में। तो और एकलिंग नाथ जी को ये क्या बोलते हैं, अपने कुल देवता बोलते हैं। तो कुल देवता कौन है, एकलिंग नाथ जी। और जब भी मेवाड़ के सैनिक बाहर कहीं जाते हैं किसी दूसरे राज्य में, या फिर युद्ध लड़ने जाते हैं, तो वो एकलिंग नाथ जी से परमिशन लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं आंश का लेना, आंश का लेना। ये जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूते वगैरह बाहर खोल के, तलवार अपनी बाहर रखकर, और आंश का लेने आते हैं एकलिंग नाथ जी के मंदिर में। और वहां से आंश का मतलब क्या है, आशीर्वाद लेना, आशीर्वाद। तो वहां से आशीर्वाद लेकर ही ये लोग बाहर जाते हैं कुछ नया काम करने, कहीं किसी से लड़ने। तो आशीर्वाद लेने को क्या बोलते हैं, आशीर्वाद। किसका ले रहे हैं आशीर्वाद, एकलिंग नाथ जी का, जो इनके क्या है, कुल देवता है। क्या है, कुल देवता। किनके कुल देवता, ये अपने आप को एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते हैं। तो एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते हैं, राजा से जो छोटा पद होता है वो होता है दीवान। तो ये एकलिंग नाथ जी को क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं, कि हम सब इनके दीवान हैं। कौन मानते हैं, मेवाड़ शासक। तो कुल देवता की हमने बात करी, कहाँ के, मेवाड़ के। तो मेवाड़ के कुल देवता की बात करी तो यहाँ पे कुल देवी की भी बात करेंगे। तो कुल देवी जो है उनका नाम है बाण माता, बाण माता। और इनका दूसरा नाम मिलते हैं बरबड़ी माता, बरबड़ी देवी या बरबड़ी माता।
कुलदेवी कहाँ की है? मेवाड़ की कुलदेवी है। इनके एक आराध्य देव भी हैं, आराध्य देव, उनका नाम है चार भुजा नाथ। चार भुजा नाथ, चार भुजा नाथ कौन कौन है? आराध्य देव है। किनके हैं? मेवाड़ के शासकों के। इनका एक मंदिर है गढ़बोर में, और गढ़बोर जगह पड़ती है राजसमंद में, तो राजसमंद गढ़बोर में इनका एक मंदिर है चार भुजा नाथ। तो आराध्य देव है चार भुजा नाथ, कुल देवी है बाण माता, और कुल देवता की हमने बात करी, कुल देवता कौन है? एक लिंग नाथ जी, एक लिंग नाथ जी, जिनका मंदिर नाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी में है। ठीक है, तो ये हमने कुछ बातें करी मेवाड़ रियासत की। बप्पा रावल के पिता का नाम महेंद्र सेकंड हमने देखा, गुरु का नाम हरित ऋषि देखा, जिनके आशीर्वाद से इन्होंने मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित किया, और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया, एक नाथ जी का मंदिर, जहाँ पर पशुपत संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, और क्या क्या चीजें का प्रचलन है इनके बारे में वो देखते हैं। तो बप्पा रावल या फिर कालभोज चर्चा का विषय अपना बप्पा रावल। तो इनके बारे में क्या क्या चीजें प्रचलित है कि इनका जो दुपट्टा हुआ करता था, दुपट्टा वो होता था 16 हाथ का। ये सब नहीं पूछता पेपर में, पर ये थीम इंपोर्टेंट है, इससे हमें नाम याद रहता है कि बप्पा रावल वास्तव में कौन है। अभी दिमाग में 16 हाथ का दुपट्टा आते हैं, सबसे पहले बप्पा रावल का नाम आएगा, कालभोज का नाम आएगा। ठीक है, तो बप्पा रावल दुपट्टा की बात करें तो 16 हाथ का था। धोती की बात करें इनकी, तो इनकी जो धोती हुआ करती थी वो 32 हाथ की धोती पहनते थे। तलवार का वजन की बात करें तो 32 मण की तलवार लेकर ये लड़ते थे। 4 बकरे भोजन में खाते थे, 4 बकरे भोजन में, बताओ। 2 भैंसों की बलि देते थे। अपन जो लिखा हुआ है वो पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वास्तव में इस तरह की कोई चीज हुआ करती थी। बहुत सारे प्रसंग ऐसे इतिहास में, जैसे किसी को उड़ना राजकुमार बोला, पृथ्वीराज के बारे में जो प्रसंग आता है, उनको उड़ना राजकुमार बोला, उनको उड़ना राजकुमार, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई उनकी संज्ञा है कि वो इतना तेज दौड़ते थे कि भाई वो ऐसा लगता था कि मानो उड़ रहे हैं। तो ये भी क्या है कि बहुत सारे इतिहासकार क्या है, किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर ऐसा लिखते हैं ताकि उस व्यक्ति, उनका मकसद ये होता है कि उसकी प्रशंसा करें, और प्रशंसा में लिखे गए लेखों को हम प्रशस्ति बोलते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशंसा में लिखे गए लेख, प्रशंसा में लिखे गए लेख, उनको बोलते हैं प्रशस्ति। जितनी भी प्रशस्तियां होती हैं उनमें राजाओं की प्रशंसा करी जाती है, उनके जो भी प्रशंसा करने युक्त कर्म है उनको वहां पे लिखा जाता है। तो कालभोज 16 हाथ का दुपट्टा, 32 हाथ की धोती, 32 मण की तलवार, 4 बकरे, 2 भैंसों की बलि ये दिया करते थे, और राजधानी इन्होंने बनाया एकलिंग नाथ जी को, जहां पर आस का लेके ये कहाँ जाते हैं? कहीं भी लड़ने जाते हैं। ठीक है, और क्या बात आती है बप्पा रावल के बारे में कि इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्कों का प्रचलन किया। सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने किया? बप्पा रावल ने। और ये सब इतिहास के हमें कहाँ से पता चलता है? जो प्रशस्तियां, उसमें एक और महत्वपूर्ण प्रशस्ति आती है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कब लिखा गया था इसको? 1460 में लिखा गया था कुंभलगढ़ प्रशस्ति को, और यहां पर बप्पा रावल से कुंभा तक का इतिहास वर्णित है। कुंभा तक इतिहास का वर्णन कहां पर किया गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में इसका जो लेखक है वह है महेश भट्ट, महेश भट्ट। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति
1460 ईस्वी में महेश भट्ट द्वारा लिखा गया है संस्कृत भाषा में और बप्पा रावल से कुंभा तक का इतिहास में इसमें इतिहास का वर्णन किया गया है। तो ये कुछ बातें थी बप्पा रावल के बारे में। तो महान प्रतापी शासक हुए बप्पा रावल, जिन्होंने मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया 734 ईस्वी में, और मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक इसको बोलते हैं बप्पा रावल को बोलते हैं। तो ये हमारा बप्पा रावल से रिलेटेड कुछ चीजें थी। इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं आज, और अगले वीडियो में बात करेंगे मेवाड़ के और प्रतापी शासकों के बारे में, जैसे जेत्र सिंह, रतन सिंह, हम राणा हम्मीर आएंगे, मोकल आएंगे, कुंभा आएंगे, ठीक है? तो उनकी बात करेंगे। इसके बाद वो आलू रावल की बात हम करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।